इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत बेस्ट है। आप यूएई में देखें कितना इन्फ्लुएंस है उनका, कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं वो लोग विदाउट हेजिटेशन वीज़ा मिलता है उनको, ठीक है। और पाकिस्तानी रगड़ते रहते हैं अपने आप को कि जनाब किसी तरीके से मिल जाए और रिजेक्ट होकर बैठ जाते हैं। जब तक हमारे मुल्क में इंसाफ और कानून नहीं ना होगा, ये एटॉमिक पावर ये सब कुछ माइनस है एक किस्म की। बांग्लादेश हमसे बहुत आगे निकल गया, ठीक है, इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे। करेंसी देखें उसकी, उसकी वैल्यू देख लें, हमारे रुपए की देख लीजिए, हमारे से तो अफगानिस्तान की करेंसी बेहतर हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें खुद सोचनी है, हम लोग बीइंग मतलब कॉमन पीपल हम लोग क्या कह सकते हैं। हम अपने मुल्क में अपने एक गरीब भाई को रोटी नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ पे हम एटॉमिक एनर्जी जो एटॉमिक पावर है उसका क्या फ़ायदा। अब हमने रोटी की जगह वो बम तो नहीं बांध रहे। सर हमारा नाम कहाँ चला गया? ये देखें वो जो सऊदी अरबिया है ना, अगर वो उससे जिम्मेदारी ली है तो वो निपटा देगा। तो इंडिया तो बहुत शैतान है, शैतान मुल्क है यार, उसके उसके बस की बात ही नहीं है, वो कभी भी नहीं निपटाएगा। बाद में इंडिया इंडिया की तो बात ही ना करें। यूक्रेन और रशिया के जंग के हवाले से गाइस, यूक्रेन और रशिया की जंग ने एक तूल अरसा पकड़ लिया और ये जंग बंदी का नाम नहीं ले रही, लेकिन उस पर सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, 30 मुल्कों का समिट रखवाया और इस पर सबसे पहले कॉल इंडिया को की है। इंडिया को कहा कि आप आएँ बैठ कर बात करते हैं और 30 मुल्कों के जो वजीर आएंगे उनसे भी बातचीत करेंगे और बात इस चीज़ का हल निकालेंगे कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान सुलह किस तरह से हो सकती है। तो गाइस यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि अभी तक यहाँ पर पाकिस्तान का कोई नामो निशानी नहीं है, ना पाकिस्तान को कोई कॉल किया है और ना पाकिस्तान के बारे में कहीं पर बात हो रही है कि पाकिस्तान को भी इस समिट के अंदर बुलाया जाएगा। गाइस यहाँ पर एक कंसर्न है बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, इंडिया इज़ एवरीवेयर, पाकिस्तान इज़ नोवेयर। पाकिस्तान का थोड़ा क्रिटिकल है सर, यूक्रेन और रशिया के साथ जंग चल रही है। सर यूक्रेन और रशिया के जंग के अंदर आप देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन साल होने वाला है जंग लगी, तो कोई भी कंट्री इसके बीच में कोई अहम किरदार अदा नहीं कर रही, लेकिन दुनिया की नज़रें लास्ट टाइम एक न्यूज़ आई थी जिसपे जिसका कहना था कि इंडिया ही ये जंग हल करवा सकता। अभी रिसेंटली एक समिट हो रही है सऊदी अरबिया के अंदर, सऊदी अरबिया 30 कंट्रीज़ को बुला रहा है लेकिन पाकिस्तान को उसमें नामो निशान नहीं है। सबसे पहले सऊदी अरबिया ने कॉल किया इंडिया को कि भाई आप आओ और इस मामले को सॉर्ट आउट करवाओ, रशिया और यूक्रेन के दरमियान में बातचीत करके सुलह करवाते हैं। क्या बात है, पाकिस्तान को कोई खाते में नहीं ला रहा और इंडिया की तरफ इतनी रुझान क्यों लोगों का? भजन एक तो पहली बात ये है कि हमारी जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हैं लास्ट ईयर, बल्कि आप कह लें कि पिछले साल से जब से रजीम आफ्टर रजीम चेंज, इतनी बुरी नाकस पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से सारी दुनिया का ये है कि जनाब ये खुद अपने मसलों में घिरे हुए हैं, इनको इन्विटेशन क्या देना, हर बंदा चोर है इधर, आपने चोरों को उठा के ऊपर बिठा दिया है। बाद में इंडिया, इंडिया की तो बात ही ना करें, वो अपनी तरक्की पे कंप्रोमाइज़ ही नहीं कर रहे, वो रशिया से तेल भी ले रहे हैं, गंदम भी ले रहे हैं, रशिया से ट्रेड भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम क्या है, हम सिर्फ ये कि वो इतना चोर है, वो ये कह गया वो कह गया, हम अभी उसी दलदल में फंसे हुए हैं। उसकी वजह से एक तो आवाम पे बोझ पड़ रहा है, टैक्सेस आवाम पे आ रहे हैं, बिजली के बिल जो हैं वो गरीब आवाम पे आ रहे हैं, नई पॉलिसीज नया कानून जो आ रहा है वो सब गरीब आवाम पे आ रहा है। अमीर जो है जितनी बड़ी करप्शन करता है उतनी बड़ी उसे वजारत मिलती है, यही इमेज जो है वो इंटरनेशनल जा रहा है लोगों के पास। सऊदी आपको कॉल क्यों करें, आप क्या हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप मांगते हो, बहकारी हो, आपने मांगना है, आपको क्यों कॉल करें समिट में, बताएं ना कोई ऐसी कोई खूबी हो कि वो पाकिस्तान को इनवाइट करें, कुछ भी नहीं। आप अपने रोलों में पड़े हुए हैं, आवाम आपकी जलील हो रही है, कर्जे पे मुल्क पड़ रहा है, डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, कोई इधर आपकी कल वो छोटी बच्ची देख ले कि मुलाजमा रिजवाना बच्ची, उसके साथ क्या किया, आपकी सिविल जजेज हैं, आपके घरों में बच्चियां काम करती हैं, उन पे तशद्दुद किया जा रहा है, क्या इंटरनेशनल मीडिया पर ये चीज़ें नहीं जा रही? तो ये भजन नाकिस पॉलिसी है, नाकिस आपकी कैबिनेट है, वज़ीर ख़ारजा नाकिस है, आपके वज़ीर आज़म नाकिस हैं, आइन आपका ज़िबा हो चुका है, कानून की बात कोई नहीं करता, तो फिर यही हाल होगा इधर पाकिस्तान में। सर यहाँ पर अगर मैं देखूँ दूसरी तरफ, सर इंडिया दुनिया की पावर बनता जा रहा है, अभी पांचवी बड़ी पावर है, तीसरी बनने जा रहा है। सर यहाँ पर हमारे बीच के हालात नहीं ख़त्म हो रहे, यहाँ पर हमारे करप्शन अभी इस हालात तक अगर हम पहुँच चुके हैं, दुनिया के अंदर हम डिक्लेयर हो गए हैं कि पाकिस्तान वर्स्ट ऑफ करप्शन के हिसाब से हम पहले नंबर पर हैं, लेकिन अगर बात करेंगे इंडिया इकोनॉमिकल लिहाज से क्या वजूहत है कि एक टाइम था कि हम कंपेरिजन करते थे, हम बताते कि हम इंडिया से आगे हैं, आज कंपेरिजन के लायक भी नहीं रहे हम। ऐसे ही यार उसकी क्यों? उसकी वजह मैं बताता हूँ, हम मोदी को कहते हैं कि जी ये बुचर है, किसाब है, कातिल है, लेकिन मोदी की जो भी बात है अपनी कौम के लिए वो खड़ा है।
उसने ये यूईटी जो पार्क बननी थी ना पाकिस्तान में, ये इंडिया में क्यों बनी है? सिर्फ आपके हुक्मरानों की वजह से। आज एप्पल का बानी इंडिया में क्यों जा रहा है? आपके सिर्फ हुक्मरानों की नालायकी की वजह से। आज वहाँ पे टेस्ला गाड़ी की ओपनिंग क्यों हो रही है? आपके हुक्मरानों की वजह से। आज वहाँ टेस्ला कार इलेक्ट्रिक कार बन रही है। हमारे इधर 14 अगस्त को जनाब सबसे बड़ा झंडा बन रहा है, हमको झंडे के पीछे नगमे के पीछे लगा के रखा है। तो इंडिया ने तो आगे जाना भाई जान, हम कौम परस्ती में, फिरका परस्ती में, हम पॉलिटिशन में, वो चोर है, वो चोर उसके पीछे हैं। आप इंडिया से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। वो मुहिब्बे वतन कौम है, उनके लीडर मुहिब्बे वतन है, उधर एहतसाब होता है, उधर वज़ीर आज़म भी कटहरे में है, जनरल भी कटहरे में है, आईजी भी कटहरे में है, मीडिया भी कटहरे में है, आम आवाम भी कटहरे में है। इधर देख लो, जुडिशरी सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट है, कहाँ गरीबों के लिए को सो मोटो, अमीरों के लिए सो मोटो भी आ जाते हैं। मेरा प्रोफेशन भी ये है, लेकिन मैं फिर भी बात वही करूँगा जो एज ए पाकिस्तानी करनी चाहिए। आप यहाँ किसी गरीब बंदे से पूछ लें, ये रेडी बान है, ये खड़े रिजक के लिए, अभी कॉरपोरेशन वाले आएंगे उठा के ले जाएंगे। तो किसी किसी अमीर का रेस्टोरेंट बंद करके दिखाएं हमें, तो भैया नहीं, अपनी पॉलिसीज है हमारी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी भैंस है, ये जंगल का कानून है, ऐसे ही है, उससे भी आगे चले गए हम। सर, सर्वाइव करना पॉसिबल है जहाँ, जिस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता वो क्या अपनी मौत खुद नहीं मर जाती? भजन सर्वाइवल वहाँ होती है जहाँ पे कानून की थोड़ी सी बालादस्ती हो। इधर जंगल का कानून है, मेरे पास लाठी है, मैं आपको दबा लूँगा, आपके पास है आप उसको दबा लेंगे। यहाँ निज़ाम नहीं चल सकता, यहाँ पे भूख आएगी, वारदातें होंगी, डकैती होगी, कत्ल होगी। इंटरनेशनल तो बात ही छोड़ देना कि आपको कोई इन्विटेशन आएगा, ये होगा, कुछ भी नहीं होना। आप अपने वज़ीर ख़ारजा देख लें, अपने वज़ीर आज़म देख लें, अपना वज़ीर ख़ज़ाना देख लें, लॉ मिनिस्टर देख लें। आपने 4 दिनों में 400 बिल आपने पास करवा लिए, पता ही नहीं है कौन कौन से। और ऐसे ऐसे लॉस जो के सब कुछ, सब पावरें अदारे को दिए हुए अदालतों से उठाकर, यहाँ पर ये बात तो कोई अलग टॉपिक और दूसरी तरफ चले जाएंगे, लेकिन दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। क्या इंडिया मिलकर सऊदी अरब के साथ, क्या ये मसला हल हो सकता है? यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग का क्या इंडिया करवा सकता है ये मसला सॉर्ट आउट? भजन इंडिया करवा नहीं सकता, लेकिन आप देखें इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पर वो जगह ज़रूर बन रही है। Exactly. जो समिट हो रहा है इधर इनवाइटेड इंडिया ज़रूर है, पाकिस्तान नहीं है। सबसे पहले नंबर पर, पहले नंबर पर। आप एक साल पीछे चले जाएं, अफगानिस्तान को अगस्त में क्लियर करवाया, बातचीत करके पाकिस्तान ज़ामिन था, हालांकि वहाँ से क्लियर करवाना बड़ा मुश्किल काम था। अमेरिका और तालिबान के दरमियान इमरान खान आया, उसने बातचीत करवाई है, मसला हल हो गया। यूक्रेन तो चलो मसला, इंडिया को सीट मिल गई है, इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज हो रहा है, वजह सिर्फ यही है, वही मैं आपको बात बताऊंगा, उनकी पॉलिसीज अच्छी है, बस। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। नाम आपका? नदीम। क्या करते हैं आप? एज ऑफिस में जॉब करते हैं। माशाल्लाह, वेरी नाइस सर। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है सर, यूक्रेन और रशिया के जंग के रिलेटेड सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। सऊदी अरब ने 30 कंट्रीज के एक समिट बनाया, उस समिट के अंदर सबसे पहले नंबर पर उसने कॉल इंडिया को की है। पाकिस्तान को अभी तक कोई कॉल नहीं आई, ना इस बारे में कहीं बातचीत चल रही है। अगर हम देखें, इससे पहले अमेरिका ने एक स्टेटमेंट दी थी यूक्रेन और रशिया की जंग को लेकर, उसने कहा था अगर इस दोनों मुल्कों के दरमियान अगर कोई सुलह करवा सकता है तो वो इंडिया करवा सकता है। तो दुनिया के अंदर इंडिया को इतनी पजीराई क्यों मिलती जा रही है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? ये हमारी अपनी फॉरन पॉलिसीज़ हैं, उनके लिए फेलियर्स हैं। हमारी फॉरन पॉलिसी को समझते कौन क्या आया है, कोई वर्थ है किसी मुल्क में बता दें, हमारे पासपोर्ट की क्या वर्थ है, हमारी अपनी प्लानिंग्स क्या है, पॉलिसीज़ क्या हैं, कितनी उसको अप्रिसिएशन मिलती है, यूसी के नतीजे हैं और क्या हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत बेस्ट है, आप यूएई में देखें कितना इन्फ्लुएंस है उनका, कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं वो लोग विदाउट हेजिटेशन वीज़ा मिलता है उनको, ठीक है। और पाकिस्तानी रगड़ते रहते हैं अपने आप को कि जनाब किसी तरीके से मिल जाए और रिजेक्ट होकर बैठ जाते हैं। ये हमारी अपनी इंटरनल फेलियर्स हैं और कोई वजह नहीं इसमें। हमारा पासपोर्ट दुनिया के अंदर 4th वर्स्ट तरीन पासपोर्ट के रैंकिंग में आता है, नीचे से। सर अगर बात करें तो क्या इंडिया वाकई में ही रशिया और यूक्रेन के दरमियान सॉर्ट आउट करवा सकता है मामला? बिल्कुल करवा सकता है जनाब, अगर उसकी इतनी वर्थ है तो जब भी उसको इन्वॉल्व किया गया ना, उसके बगैर तो नहीं हो सकता, और कोई कंट्री क्यों नहीं। अभी तक हमें कोई कंसर्न में नहीं लिया गया इस बारे में, ना कोई हमें कॉल आई, ना कोई हमारी मीडिया में इस तरह की चर्चा। हम किसी खाते में नहीं है, हम अपने इंटरनल मैटर्स में इतने उलझे हुए हैं कि हमें एक्सटर्नल की तो कोई क्या कहना चाहिए, क्योंकि पूछता ही नहीं है। तो ये इश्यूज हैं, ये हम लोग बेसिकली ना बहुत बैकवर्ड हो चुके हैं, बहुत बैकवर्ड पे आ चुके हैं, कुछ बहुत सारे इश्यूज हैं, इनमें क्या कह सकते हैं आप।
सऊदी अरब तो हमारा राइट हैंड था एक टाइम पे। जी हाँ, आप शुक्र कीजिए कि उसने आपको स्टैंड दिया हुआ है और आप फाइनेंशियली खड़े हैं। अगर ये भी ना करते तो कहाँ खड़े थे आप, वो सोचिए। ये हमारे टोटल फेलियर्स हैं, गवर्नमेंट फेलियर्स हैं। हमारे अपनी आवाम की क्या इसमें प्रॉब्लम है, वो उसी पे बेस कर रही है ना, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे। जब उसमें कोई वर्थ नहीं है, उसको कोई भार नहीं है, तो फिर हमें मसालत के लिए कौन पूछेगा? क्या वर्थ है हमारी इंटरनेशनली, बता दें। क्या आप हमें रिलेशन बेटर कर लेनी चाहिए इंडिया पड़ोसी के साथ, इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, उसके बाद बांग्लादेश के साथ? बांग्लादेश हमसे बहुत आगे निकल गया, ठीक है, इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे। करेंसी देखें उसकी, उसकी वैल्यू देख लें, हमारे रुपए की देख लीजिए, हमारे से तो अफगानिस्तान की करेंसी बेहतर होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें खुद सोचनी है। हम लोग बींग मतलब कॉमन पीपल, हम लोग क्या कह सकते हैं? ये तो पॉलिसी मेकर्स का काम है। हम डॉलर है वो कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं आप, ठीक है, तो जिनके बाहर पड़े हुए हैं वो वहीं पड़े पड़े मल्टीप्लाई हुए जा रहे हैं। आपकी मेरी तनख्वाहें कितनी बढ़ जाएंगी, कितने कहाँ खड़े हैं, ये बस ये देखना है हमें। पॉलिसीज यही हैं यहाँ की, बस अपना आप देखो। सर आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद आपको इजाज़त है। सर जिस तरह से हम देखते हैं, कुछ टाइम पहले सऊदी अरेबिया में यूएई हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, उन्होंने इंडिया के साथ कोई रिलेशन बेटर करने की बात की, तो इंडिया से भी जवाब आया कि वाकई में हम बेटर करेंगे आप लोगों के साथ रिलेशन। और रिलेशन बेहतर करते साथ ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर वो 370 का आर्टिकल कश्मीर से हटाते हैं फिर हमारे रिलेशन बेहतर होंगे। कल उन्होंने स्पीच दी, उसके अंदर भी कहा कि अब हमें इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर लेनी चाहिए, चाहे इस तरह के भी सिचुएशन हो। क्या कहना चाहेंगे आप, वो हमें कुछ सिखाते भी नहीं लेते। वो आपने देखा था ना, वो अमेरिका गया था जब मोदी, तो उसने क्या कहा था कि पाकिस्तान कोई इशू नहीं है हमारे लिए, कुछ और बात करें। तो समझ जाएं इस बात में काफी कुछ है। वो अपने मुफाद देखेंगे कि आपके देखेंगे, उनको क्या हासिल है जी पाकिस्तान स्टेबल हो जाए या उसके बेटरमेंट के लिए कुछ हो जाए या एग्रीमेंट ऐसे हो जाए। दिल चाहता है पानी छोड़ देता है, दिल चाहता है हम अपना क्रॉस द बॉर्डर वो हमले मुले करवा देता है, टेररिज्म करवा देता है। उसको क्या फिक्र है, वो कह रहे हैं ये अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं, ये खुद ही मर रहे हैं, हमें क्या, ये हमारी टेंशन नहीं है पाकिस्तान। आपको लगता है कि वो टेररिज्म करवाने की उसको ज़रूरत है? जिस किस्म के वो ग्रो कर रहा है, दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत बन गया अपने रिलेटेड। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी के पिछले आपने जिस तरह का बयान किया उसको मैं कोट करूंगा, उन्होंने कहा कि हम इंडिया पाकिस्तान कर करके आज आपका हम अगर हम इंडिया पाकिस्तान ना करते तो आज हमारी स्पीड डबल होती है इससे। सर वो डबल स्पीड के तहत जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर मेरी हुकूमत नेक्स्ट 5 ईयर भी आती तो मैं थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दूंगा, 5th तो है अभी। हाँ तो वो सही कह रहे हैं ना, उसमें शक क्या है? हमारे पास कोई है इस तरह का? हमारे फार्मूले ही गलत हैं, हमारी प्लानिंग ही गलत है, मिस प्लान कंट्री है ओवरऑल। क्या आप बेटरमेंट के लिए मुझे बता दीजिए, थ्रू आउट देख लें। ये जो अभी जो करंट गवर्नमेंट है, नारे बहुत हैं हम ये कर देंगे, हम इस हाल पर पहुँचे क्यों हैं? उसकी बेस देखिए ना कि हमारे इंटरनल क्या इशूज़ हैं। हमारे एक तो नेचुरल क्राइसिस, वो अपनी जगह जो टाइम टू टाइम आते रहे जी। उसके अलावा फिर हमारी अपनी प्लानिंग्स, कुछ हमारे पर्सनल इंटरेस्ट, उनकी वजह से ये हाल हुआ हुआ ना, तो आप किसको ब्लेम करेंगे आप बताइए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? फाइन। नाम आपका? यूनुस जावेद। क्या करते हैं? मैं टैक्स कंसल्टेंट। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया सर। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है, क्या हालात हैं मुल्क के और गुजारा कैसा चल रहा है आपका? मुल्क के हालात आपके सामने, हालात तो बहुत ही ख़राब जा रहे हैं, बाकी हालात गुजारा बहुत मुश्किल हो ही नहीं रहा, मुश्किल तो बड़ी दूर की बात है। सर हमारे यहाँ पर मुल्क के ये हालात है, दुनिया हमें खाते में क्यों नहीं लिख रही, किसी खाते में भी। अब यूक्रेन और रशिया के दरमियान का इंटरनेशनल मैटर को थोड़ा डिस्कस करूँगा आपके साथ। यूक्रेन और रशिया के दरमियान इस टाइम जंग चल रही है, उनके हालात बहुत ख़राब है, 2 साल तकरीबन साल होने वाला, जंग ख़त्म ही नहीं हो रही। तो पहले बातचीत चल रही थी कि 16 सपाटा करवाएंगे, बातचीत करवाएंगे, लेकिन अभी सऊदी अरेबिया ने ये केस उठा लिया, सऊदी अरेबिया ने समिट रखवाई है, वर्ल्ड की 30 बड़ी कंट्रीज आ रही है वहाँ पर। उस समिट के अंदर सबसे पहले नंबर पर इंडिया को इन्वाइट किया गया, लेकिन अभी तक कोई ख़बर नहीं आई कि पाकिस्तान को भी वहाँ पर इन्वाइट किया जाए और बीच के मामलों में बात की जाए। तो हमें क्यों नहीं इम्पोर्टेंस दी जा रही वर्ल्ड वाइड के अंदर? हम इस काबिल ही नहीं है, हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने हमें उस हाल पे पहुंचा दिया है कि देख लें, ये इज्जत ही है ना कि उन्होंने हमें इस काबिल नहीं समझा कि वो हमें बुलाएं, तो ये सारा कसूर हमें पहुंचाया है। बिल्कुल सही सर। एक तरफ हम बात करते हैं कि हम दुनिया के सबसे ज़रूरी हैं, हम एटॉमिक पावर हैं,
हमारे पास हर चीज़ है जो कि दुनिया को हम दिखा सकते हैं, दुनिया का जवाब दे सकते हैं। सर, हर चीज़ होने के बाद भी हमारी इज्जत क्यों नहीं है जिस तरह से इंडिया की रिस्पेक्ट की जाती है आजकल? जब तक हमारे मुल्क में इंसाफ और कानून नहीं ना होगा, ये एटॉमिक पावर ये सब कुछ मायने से है एक किस्म की। जिस हम अपने मुल्क में अपने एक गरीब भाई को रोटी नहीं दे सकते हैं तो वहाँ पे हम एटॉमिक एनर्जी जो एटॉमिक पावर है उसका क्या फ़ायदा? अब हमने रोटी के जगह वो बम तो नहीं बांध रहे हाँ जी। गाइस, एक बहुत बड़ा कंसर्न है इन्होंने की ये बात 100% बजा लाने वाली है कि बम तो नहीं खा सकते या बम बांध तो नहीं सकते, खाने की जगह खाना ही खा सकते हैं। रोटी, जब भूख लगेगी बंदा रोटी खाएगा, बम थोड़ी खाएगा। तो क्या समझते हैं आप, हमें अभी शोर आने की ज़रूरत है या नहीं? अवाम को बाहर निकल कर ये बात करनी चाहिए कि नहीं भाई हमें रोटी दो, हमें जैसे जिस तरह भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास भी खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, लेकिन आज हम खा रहे हैं घास। यार, उस एटम बम का क्या फ़ायदा कि जो हम पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं, एक ये इंडिया वो हमें इतना जलील कर रहा है, वो बल्कि वो कह रहा है कि हमें तो जंग करने की ज़रूरत ही नहीं, हम अब ये खुद ही आपस में लड़ेंगे। झूठ बोल रहा है। बिल्कुल, वो तो बल्कि ठीक कह रहा है, हम आपस में ही तो लड़ रहे हैं। ठीक है, तो मौका दिया ना, मौका दिया उन्हें, हमारे साथ जंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे अंदर ही सब कुछ इधर लोग मौजूद हैं जो आपस में लड़ाई भी कर रहे हैं, जंग भी कर रहे हैं, वो तो खुश हैं उन्हें। फिर तो हम नौकर हुए ना, वो तो हमारे सरदार हुए जिनको हम कमा के दे रहे हैं, हमारे टैक्सेस पर वो राज कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो 100% है, बिल्कुल वो राज कर रहे हैं। सर, कब तक चलेगा ये चेंजिंग तो आनी चाहिए, तो फिर ही ये हालात ठीक होंगे, अदरवाइज इम्पॉसिबल। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके। साल होने वाला है, उस जंग के बरक्स पूरी दुनिया पर इफेक्ट हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हो गया। सर, इसी बरक्स अगर हम बात करें तो क्या पाकिस्तान पर भी उसी चीज़ का इफेक्ट है या फिर हमारी अपनी नाहली है? नहीं, इसमें बहुत सारी अपनी नाहली है और उसका असर भी कुछ है, लेकिन ज़्यादा हमारी अपनी नाहली है। क्यों अभी की बात कर रहा हूँ मैं, कल आज और कल के दरमियान एक मीटिंग रखने वाले हैं, पाँच और छः के दरमियान मीटिंग रखने वाले सऊदी अरेबिया, जिसमें पूरे 30 मुल्कों से बड़े बड़े 30 मुल्कों के मतलब कि उनको बुलाया जाएगा, गवर्नर्स को, के आगे मिलकर बैठ के बात करेंगे। तो सऊदी अरेबिया ने सबसे पहले नंबर पर इंडिया को कॉल की कि भाई आप आओ, इस मामले में बात करते हैं, यूक्रेन के मामले को सॉर्ट आउट करते हैं। तो इसके अंदर पाकिस्तान को अभी तक कॉल नहीं की गई, क्या पाकिस्तान को लोग कुछ नहीं समझते अब? नहीं, उसमें ऐसे है कि पाकिस्तान की उतनी अहमियत नहीं है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है।
क्या कहते हैं कि मांगने तांगने वाले हैं लोग, मीन हैसल कौम। आप जा देखें बैठ के, वो ऐसे ही होता है, हर बंदा मांगने को तरजीह देता है, काम करने को तरजीह नहीं देता। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। सर नाम आपका? मोहम्मद यूनुस। सर बेसिकली एक बात लेकर आपके सामने आया हूँ, एक टॉपिक का जो कि बहुत ज़रूरी है सर, इंटरनेशनल टॉपिक को कवर करेंगे आज हम। सर यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग चल रही है, कुछ टाइम पहले खबर सुनने को मिली थी कि ये जंग सिर्फ और सिर्फ इंडिया हल करवा सकता है दोनों मामलात को, क्योंकि इंडिया रशिया के भी दोस्त है और यूक्रेन के भी दोस्त है, दोनों के दरमियान बैठकर सुलह सफाया करके बात ख़त्म करवा सकता है। तो सर काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन साल होने वाला जंग चल रही है, तो अभी सऊदी अरेबिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, सऊदी अरेबिया ने कहा कि इन दोनों मुल्कों को मिल बिठा के सुलह करवाते हैं, तो इंडिया को सबसे पहले नंबर पर कॉल की है। सर वहाँ पर पाकिस्तान का कोई 30 मुल्क बैठेंगे, सबसे पहले इंडिया को कॉल किया, अभी पाकिस्तान का वहाँ पर नामो निशान नहीं है, सर हमारा नाम कहाँ चला गया? ये देखें, वो जो सऊदी अरेबिया है अगर वो उससे ज़िम्मेदारी ली है तो वो निपटा देगा, तो इंडिया तो बहुत शैतान मुल्क है यार, उसके बस की बात ही नहीं है, वो कभी भी नहीं निपटाएगा। तो आप सऊदी अरब को पाकिस्तान ही समझें, वो बड़े मुखलिस लोग हैं, अल्लाह का से बहुत डरने वाले लोग हैं, वो इंशाल्लाह निपटा देंगे। सर ये शायद सर ये शायद हमारे माइंडसेट के अंदर ये वो शैतान लोग हैं, शायद हमारी दुश्मनी होने की वजह से, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया, लेकिन इंटरनेशनली उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, दैट इज़ ओके, लेकिन कारकर्दगी जो हमारे साथ वो डील करते हैं, हमने तो उसको देखना है ना सर, वो एक नेबर एक दुश्मन को किस तरह से डील करेंगे इंडिया, ये देखें इतना हमारा नुकसान कर रहे हैं फॉर नथिंग, हमारी तो मस्जिद का वो बुरा हाल करते हैं। किधर का? वो इंडिया में सर, अगर वहाँ पर होता तो यहाँ पर भी माइनॉरिटीज़ के साथ वही हो रहा है जो वहाँ पर होता है। तो इतना प्यार करते हैं माइनॉरिटी से, क्योंकि हमारा तो इस्लाम बताता है कि जितनी भी माइनॉरिटी है, मानता हूँ कि सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन चंद एक लोग वहाँ पर भी वैसे हैं और चंद एक लोग यहाँ पर भी वैसे हैं जो पूरे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। वहाँ पर अगर मस्जिद के साथ होता है सर, यहाँ पर भी कराची के अंदर दो मंदिरों को जलाया गया, दो मंदिरों को तोड़ा गया, डिमोलिश किया गया, सर हमारे पास भी कुछ खामियाँ, हमारे पास भी गलतियाँ हैं, गलती कोताही हमारे यहाँ है, लेकिन एक्सेस नहीं है वो तो बहुत। तो आप ये देखें कि हिंदू के घर में अगर कोई बंदा चला जाए ना, मुसलमान चला जाए, तो वो तो ईंटें उखाड़ देते हैं और हमें वो मलीच कहते हैं। सर सबको यही कहते हैं जी, मलीच मुसलमानों को, पर मलीच कहते हैं सबके सब। अगर किसी मुसलमान, किसी हिंदू के घर मुसलमान चला जाए तो पूरे हिंदुस्तान नहीं जाने देते, नहीं जाने देते। ये हमारी ऑडियंस बताएगी सच क्या और झूठ क्या। सर इंटरनेशनली अगर मुआहदे की बात करें तो क्या लगता है कि नेशनल मुआहदा जो सऊदी अरब बीच में आ गया ना, वो हो जाएगा मामला, वो जंग भी हो जाएगा, हो जाओ। गाइस आपने बताना कि अंकल की बातें आपको कैसी लगी सर।